हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो आने वाले यूजीसी नेट एग्जाम और पीजीटी ज्योग्राफी का जो एग्जाम है उसमें आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आने वाले जो एग्जाम है उसमें कोई भी आपके ज्यादातर नए क्वेश्चन नहीं लाए जाते हैं, पुराने ही जितने क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से, कहीं ना कहीं से उन्हीं क्वेश्चन को आप दोबारा रिपीट कर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आपको पढ़ना सब कुछ है, लेकिन इन क्वेश्चन को करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जितने ही ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छा एग्जाम में अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो ये जो वीडियो हमारी दोनों मीडियम में रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं क्वेश्चन को बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली कोई भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसिंकेटिव वॉज प्रपोंडेड बाय। फर्स्ट ऑप्शन होमलेस, सेकंड जेम्स हटन, थर्ड हाल एंडाना और फोर्थ है जे डब्ल्यू पाव। एक बार हम इसे हिंदी में भी देख लेते हैं। देखिए, हिंदी में हम इसे कहते हैं भू अवनति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी। ऑप्शन देखिए सेम रहेंगे हिंदी और इंग्लिश में। जैसे ही ये क्वेश्चन लिखा है इसमें द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसिंकेटिव, आपको पेन और कॉपी को लेके बैठना है साथ में और आपको कॉपी पे अपने ये लिखना है द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसिंकेटिव या जियोसिंकलाइन। फिर आपको इस थ्योरी को अपनी बुक में या नेट पे सर्च करना है और इसके बारे में एक बार ही आपको कंप्लीट पढ़ लेना है कि इस थ्योरी में एटलीस्ट क्या कहा गया था, ताकि इससे और कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सके। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो थर्ड है, हॉल और डाना ने यह थ्योरी यानी ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। द सब्सिडेंट थ्योरी रिलेटेड टू द कोरल रीफ वाज प्रपोंडेड बाय फर्स्ट डेविस, सेकंड डार्विन, थर्ड डेली या फोर्थ डाना। हिंदी में इसका है प्रवाल भित्ति से संबंधित निमज्जन सिद्धांत किनने प्रतिपादित किया था। तो इस कॉन्सेप्ट को जिनने दिया था वो थे डार्विन। सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, इस थ्योरी को भी आपको एक बारी कंप्लीट पढ़ लेना है। सो हमारा सही आंसर है बी यानी सेकंड डार्विन। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इज फाउंड बिटवीन द। देखिए ये क्वेश्चन जो है इससे पहले भी कई बार रिपीट हो चुका है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। हिंदी में भी आपका ये सेम रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्रस्ट एंड मेंटल, सेकंड मेंटल एंड कोर, थर्ड अपर कोर एंड लोअर कोर, फोर्थ है अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। तो इसका जो सही आंसर है सेकंड है, मेंटल और कोर के बिटवीन ये हमारी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पेन पेन वॉज प्रोपोगेटेड बाय ए सी ए कोटन, सेकंड बॉन स्टोफेन, थर्ड क्रिपमे, अल्फ्रेड बॉन वेगनर। हिंदी में से हम कहते हैं नदी समतल की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था। सो इसका जो सही आंसर है क्रिक में है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैटरनोस्टर लेक्स आर ए लेक्स फॉर्म्ड ऑन ग्लेशियर स्टेयरवेज, सेकंड लेक्स हैविंग वोल्केनिक ओरिजिन, थर्ड लेक्स फॉर्म्ड बाय अ शैलो स्ट्रेच ऑफ वाटर कॉज्ड बाय सी इरोजन। क्रेसेंट शेप्ड लेक्स फॉर्म ड्यू टू कट ऑफ ऑफ अ रिवर मियंडर। हिंदी में यहाँ पे देख सकते हैं पैटरनोस्टर झील क्या है, हिमनदीय सोपानों पर ज्वालामुखी उत्पत्ति झीलें, समुद्री अपरदन द्वारा जल के उथले क्षेत्र से बनी झीलें, नदी विसर्ग से कटी अर्धचंद्र का आकार की झीलें। सो पैटरनोस्टर है बेसिकली इस तरीके से दिखता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जो है ग्लेशियर स्टेयरवेज पे बनती हैं। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं पैटरनोस्टर को। सो इसका जो सही आंसर है वो फर्स्ट है, लेक फॉर्म्ड ऑन ग्लेशियर स्टेयरवेज। देखिए ये वाले क्वेश्चन दोनों ही पहले भी यूसीजी नेट एग्जाम जियोग्राफी में काफी बार रिपीट हो चुका है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। द प्रेजेंट इन द की टू द पास्ट, दिस फ्रेज इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट
आइसोटेसी, सेकेंड डायस्ट्रोपिज्म, थर्ड प्लेट टेक्टोनिक या फोर्थ यूनिफॉर्मेट्रिज्म। हिंदी में से हम बोलते हैं भूतकाल की कुंजी वर्तमान है, तो इसका जो सही आंसर है फोर्थ है, एक रूपतावाद यूनिफॉर्मेट्रिज्म इसका सही आंसर है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि भूतकाल की कुंजी वर्तमान है, ये जो लाइन है ये किस ज्योग्राफर ने कही थी। तो इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर मुझे लिख के बताना है। अगर आप इसके अलावा कोई और टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए इससे क्या होता है, हमें भी वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। यदि आप नीचे कोई कमेंट नहीं करते हैं या फिर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो अंदर से एक मोटिवेशन नहीं आता है काम करने के लिए। इसलिए ये जरूरी होता है ताकि आपके लिए मैं एक अच्छा से अच्छा तरीके से काम कर सकूं, एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें हमें मेल द फॉलोइंग करना है। इसमें थॉर्नबेड का जो टेम्परेचर प्रोविंस है ये दिया गया है और इसके इंडेक्स वैल्यू से इसको हमें मैच करना है। इन्होंने दो बेस पे क्लासिफिकेशन किया था, ऑन द ह्यूमिडिटी रेनफॉल की जितनी भी अमाउंट है उसके बेस पे और टेम्परेचर के बेस पे इन्होंने जितने भी वर्ल्ड में रीजन है उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड करके उसको इंडेक्स दिया था। तो इसमें इन्होंने जो सबसे ज़्यादा ह्यूमिड है उसका इंडेक्स में नंबर सबसे ज़्यादा होगा और जो शुष्क है उसका इंडेक्स में नंबर कम होगा। तो हमारे जो डी का ऑप्शन है टुंड्रा, उसका जो वैल्यू होगी सेकंड होगी 1 से लेकर 15 के बीच में। फिर है टैगा, टैगा की जो वैल्यू है फर्स्ट है 16 से लेकर 31। फिर है माइकोथर्मल, माइकोथर्मल जो है हमारा फोर्थ होगा 32 से लेकर 63। फिर है मेसोथर्मल, इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू रहेगी इंडेक्स में, तो इसका ऑप्शन जो आंसर सही है थर्ड है 64 से लेकर 127। तो हमारे का जो सही आंसर है वो थर्ड होगा। इसको मैं आपको एक बारी हिंदी में दिखा देती हूँ, यहाँ से आप हिंदी में भी क्वेश्चन को एक बारी रीड कर सकते हैं। आप फिर से अब देखिए 17 क्वेश्चन फिर दोबारा से CW थॉर्नबेड से रिलेटेड, उसकी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। द अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट CW थॉर्नबेड रिवाइज द स्कीम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो उन्होंने अपनी जो स्कीम को कब रिवाइज किया था, ये इसका फोर्थ ऑप्शन सही है 1948। देखिए इस वीडियो में मैं वही क्वेश्चन करा रही हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन थ्योरी को एक बारी अच्छे से पढ़ ले, ना कि सिर्फ नेट एग्जाम में, आपके जितने भी PGT एग्जाम होते हैं ज्योग्राफी के उसमें भी आपके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन द नाजका प्लेट इज मूविंग। सो जो हमारी ये नाजका प्लेट है ये हमारी ओशन टेक्टोनिक प्लेट है जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन बेसिन में पाई जाती है, और साथ ही ये जो वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका है इन दोनों के बीच में लाई करती है, और इसकी जो डायरेक्शन है ये मूव कर रही है टूवर्ड ईस्ट, मूव कर रही है हमारी नाजका प्लेट। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो फर्स्ट है, ईस्ट की ओर ये मूव कर रही है। तो हिंदी में इसकी कोई ज़्यादा भयंकर हिंदी नहीं है, आप आराम से समझ सकते हैं। द UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो ड्यूरिंग June 3-14, 1929 वॉज चेयर्ड बाय फर्स्ट जॉर्ज डब्ल्यू बुश, मॉरिस एफ स्ट्रॉन्ग, टोनी ब्लेयर, रिचर्ड कार्सन। हिंदी में देख लेते हैं। रियो डी जेनेरियो June 3-14, 1992 के दौरान पर्यावरण और विकास पर आयोजित UN सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर है सेकंड है, मॉरिस एफ स्ट्रॉन्ग ने इसकी अध्यक्षता की थी। सो सेकंड आंसर इसका सही है, मॉरिस एफ स्ट्रॉन्ग। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ डाइकोटोमी ऑफ जर्नल वर्सेस स्पीसीज ज्योग्राफी। इमैनुअल कांट, सेबेस्टियन मुंस्टर, बर्नहार्ड वेरेनियस, पीटर एपियन। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सामान्य बनाम विशेष भूगोल का विभाजन की नींव रखी थी। इसका जो सही आंसर है बर्नहार्ड वेरेनियस है थर्ड।
थर्ड ऑप्शन सही है, बर्नहार्ड वेरिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट मैच। ऑथर है यहाँ पे बुक्स है अल मसूदी है, रूटन एंड विलियम्स, अल बलाकी किताबुल अशकल, अल बरूनी किताब अल इब्न खानदुन मुकद्दमा। तो इसका सही आंसर है जो मैच नहीं कर रहा है, अल मसूदी ने ये किताब नहीं लिखी है, रूटन एंड विलियम्स। तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय आर ई हॉर्टन, सेकेंड डार्विन, थर्ड पैंक यंग, फोर्थ मैलोट। ये जो थ्योरी थी आर ई हॉर्टन ने दी है हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी, इसको आप इस तरीके से राइम में बना के याद कर सकते हैं। देखिए इसमें हाइड्रोलिक है और इसके नेम में भी हॉर्टन है, एच एच, इस तरीके से आप हाइड्रोलिक हॉर्टन याद कर सकते हैं। Who among the following scholar emphasized on the behavior approach in geography? A. Johnston, Crick, Burton or Gregory? Second answer Crick इसका सही। हिंदी में हम इसे कहेंगे भूगोल में व्यवहारात्मक दृष्टिकोण पर किस geographer ने जोर दिया था। तो इसका सही आंसर है second. Which one of the following in the correct sequence of German geographers contributing to the development of the geographical thought? तो इसका सही आंसर है पेचल, रजल, हेटनर, ट्रोल। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, देखिए ए बी सी डी के सीक्वेंस में देखिए पहले क्या आता है, पी आता है, फिर आर आता है, लेकिन एच नहीं आता है। लेकिन अगर आप दो भी चीज़ें इसमें याद कर सकते हैं तो आपको एक तरीके से आइडिया मिल जाएगा, ऑप्शन देख के पी आर इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो, और लास्ट में देख सकते हैं पी क्यू आर एस, एस छोड़ के बाद में टी ही आता है। तो आप इतना भी आपको थोड़ा बहुत भी हिंट मिल गया तो आप सही आंसर को लगा सकते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। हिंदी में हमारा इसका ये रहेगा, जो जर्मन के ज्योग्राफर है उनका हमें सही सीक्वेंस में सही क्रम में लगाना है भूगोल के जो ज्योग्राफिकल थॉट है, यानी भूगोल की भौगोलिक चिंतन के विकास में उनका सही क्या क्रम रहा है उसे हमें लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डोमिनेंट आइडिया ऑफ ऑल ज्योग्राफिकल प्रोसेस इज दैट ऑफ टेरिस्ट्रियल यूनिटी। दिस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू, हिंदी में आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप 39 क्वेश्चन देखिए, समस्त भूगोलीय प्रगति का मुख्य विचार पार्थिव एकता का है, इस कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? ए ऑप्शन है फ्रेडरिक रेटजल, सेकेंड वाइडल डी लाब्लाश, थर्ड रिचर्ड हार्टसन, फोर्थ जीन ब्रोश। इसका सही आंसर है सेकंड वाइडल डी लाब्लाश। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक वर्क्स डिड मैकिंडियर इन 1919 रिमेंड हिज थ्योरी ऑफ पाइवट एरिया एज हार्टलैंड। किस पुस्तक कृति में मैकिंडियर 1919 में अपने सिद्धांत पाइवट एरिया का हार्टलैंड के रूप में पुनः नामकरण किया था? वर्ल्ड वॉर एंड ज्योग्राफी, द डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड रियलिटी, द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस फॉरन अफेयर्स। इसका जो सही आंसर है सेकंड है द डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड रियलिटी। इस पुस्तक में या फिर कृति में इन्होंने अपनी थ्योरी का नाम चेंज किया था, शब्द ये प्राइवेट एरिया का हार्टलैंड के रूप में दोबारा नामकरण किया था। द ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट वॉज प्रोपाउंडेड बाय फर्स्ट रेटजल, सेकेंड मैकेंडियर, थर्ड एसिया बोमैन, हॉर्शोफर। हिंदी में हम कहते हैं जैव सिद्धांत, इसको ऑर्गेनिक थ्योरी को, इसको रेटजल ने दिया था। तो ए ऑप्शन सही है रेटजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक ऑफ ज्योग्राफी ऑफ पीस इज ऑथर्ड रिटन बाय एक महान, सेकंड स्पाइकमैन, थर्ड हॉर्शोफर या फोर्थ रेटजल। हिंदी में कहेंगे ज्योग्राफी ऑफ पीस जो है ये किस ऑथर ने बुक लिखी थी। तो इसका सही आंसर है सेकंड स्पाइकमैन ने ये किताब लिखी थी, ज्योग्राफी ऑफ पीस। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस EMR स्पेक्ट्रम बैंड्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ये वेवलेंथ दी है यानी बढ़ते हुए क्रम में लगाना है EMR स्पेक्ट्रम के।
थर्ड ऑप्शन इसका सही है अल्ट्रावायलेट ब्लू ग्रीन रेड, हिंदी में अल्ट्रावायलेट होगा पैराबैंगनी नीला हरा लाल। तो जो लाल होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और अल्ट्रावायलेट की कम होती है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर वीडियो को ना करना। साथ में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।